आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यमुनानगर में आज पेट्रोल की कीमत 86 रुपये तो वहीं डीजल 78 रुपये तक पहुँच गया। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी फर्क पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से सबके काम बंद पड़े हैं और लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम जनता का तेल निकाल दिया। जनता का कहना है कि जिस हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में तेल की कीमत 100 रुपये तक पहुँच जाएगी। सर, पेट्रोल डीजल तो सरकार ऐसे बढ़ाई जा रही है, ये लॉकडाउन से पहले पेट्रोल डीजल 70 रुपये था और अब बढ़ता बढ़ता काम है नहीं, कारोबार का वैसे नाश मच गया है और 85-88 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है। हर 3 दिन बाद 25-25 पैसे 50-50 पैसे बढ़ी जाता है और ये ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही ये पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा। और हम लोगों ने बड़े चाव से मोदी जी को वोट देकर उनको सत्ता पर लाए थे कि वो पेट्रोल, उनका बहुत बड़ा नारा था कि आओ चले हम पेट्रोल डीजल को रेट कम करें, लेकिन उल्टा उन्होंने आगे 5-6 रुपये बढ़ता था, 2 महीने बाद वो 25-25 पैसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद बढ़ा देते हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है, महंगाई का बुरा हाल है और ये पेट्रोल डीजल, जबकि ये कहते हैं कि क्रूड रेट का रेट कम हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। वहीं नारायण दास का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी फर्क पड़ेगा, दूध व सब्जी भी महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ध्यान दिया जाए। पर क्या है कि इसका रोज ही रेट बढ़ रहा है, कल कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कैसे चलेगा काम। आम लोगों के जनजीवन पे जो है सारा बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसके लिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और क्या है कि कल पेट्रोल कुछ था, आज रेट कुछ है, और कल रेट इसका और मेरे को लगता है कि और बढ़ जाएगा, और इसके लिए जो है हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इसकी तरफ खास ध्यान रखें। और इसमें देखो, पेट्रोल अगर रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, तो इसके लिए जो है मतलब खास आम आदमी के जनजीवन पर जो है ना बहुत भारी असर पड़ रहा है, इसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यही कहना चाहूँगा, और ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाएंगे, ऑटो के रेट बढ़ जाएंगे, और हर चीज़ के रेट जो है ना बढ़ते चले जाएंगे, और इस पर जैसे दूध आता है, हमारा सब्जी आती है, इसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा ये आप लोग, क्योंकि है तो सब काम ट्रांसपोर्टेशन का ही, तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में वाहन छोड़ साइकिल पर ही आना पड़ेगा, लेकिन बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। लगातार आज चौथा से पांचवा दिन है जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आज देख लीजिए, आज 86 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं ये आज से कुछ एक हफ्ते बाद ये 100 तक भी पहुंचेगा। तो कहावत है कि 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, कहीं ना कहीं आम लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा, सभी चीज़ें महंगी होगी, तो पेट्रोल पवा लो या फिर घर घर आटा चला लो, रोटी चला लो। आपको बता दें कि 12 फरवरी को पेट्रोल के दामों में 28 से 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल का दाम 35 पैसे तक बढ़ा है, और ये बढ़ोतरी लगातार चौथे दिन भी जारी रही। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।